फेसबुक अब यूजर्स की पहचान चेहरे से करेगा। ऐप रिवर्स इंजीनियर जेन मॉनचोंग वॉन्ग की एक रिपोर्ट की माने तो यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को ठोस बनाने के लिए फेसबुक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को डेवलप करने में जुटा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए फेसबुक यूजर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अकाउंट को वेरीफाई करेगा, वह यूजर असली है या नकली। फेसबुक काफी समय से फेक प्रोफाइल्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें किसी यूजर की डिटेल और फोटो डालकर कोई और यूजर उस प्रोफाइल को ऑपरेट करता है। अभी इस समस्या को एल्गोरिथम फिल्टरिंग और मैनुअल यूजर रिपोर्ट के जरिए सुलझाया जाता है। हालांकि इसके बावजूद भी फेक प्रोफाइल्स की संख्या में खास कमी नहीं आ रही है। फेक प्रोफाइल का सबसे ज्यादा शिकार सेलिब्रिटीज होते हैं। फेक प्रोफाइल वाली समस्या को खत्म करने के लिए फेसबुक अपने मोबाइल ऐप के लिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम डेवलप कर रहा है। यह सिस्टम यूजर के चेहरे को स्कैन कर पता लगा लेगा कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला अकाउंट आपका है या किसी और का। वॉन्ग लंबे समय से फेसबुक फीचर पर रिवर्स करती आ रही हैं और इसमें आने वाले इस फीचर का पता उन्हें फेसबुक ऐप के एक कोड को समझने के बाद चला। फेसबुक यूजर की पहचान करने के लिए चेहरे को अच्छे से स्कैन करेगा। बताया जा रहा है कि फीचर के रोल आउट होने के बाद फेसबुक यूजर से एक सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड करने को कहेगा जिसमें उन्हें हर तरफ देखना होगा। फेसबुक इसके जरिए यूजर के चेहरे को हर तरफ से स्कैन कर वेरीफाई करेगा कि वह उस अकाउंट का सही यूजर है या फेक। वॉन्ग ने बताया कि यह प्रक्रिया काफी हद तक एप्पल के फेस आईडी से मिलती है। हालांकि इसमें यूजर्स की सिक्योरिटी की पूरी गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि स्कैन किया हुआ सारा डेटा फेसबुक के सर्वर पर जाएगा। फेसबुक सर्वर पर डेटा स्टोर होने को लेकर फेसबुक का कहना है कि वह इसे 30 दिनों के अंदर डिलीट कर दिया करेगा। यह इस बात को भी पक्का करेगा कि कोई इसे कभी एक्सेस नहीं कर सकेगा। कंपनी ने अपने इस टेस्ट के बारे में एन गैजेट को बताया कि इस सिस्टम को सोशल डिटेक्ट करने के लिए डेवलप कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि अकाउंट इंसान द्वारा इस्तेमाल हो रहा है या किसी बॉट द्वारा। फीचर को कब तक रिलीज किया जाएगा इसके बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।